आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों में पति पत्नी, बेटी बहू और एक 2 साल की पोती है। साथ ही हत्यारों ने 5 साल की बच्ची पर भी हमला किया, हालांकि वो बच गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर में 5 लाश देखकर ग्रामीण सन्न रह गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जबकि सामूहिक हत्याकांड की खबर से पुलिस के हाथ पांव फूल गए और पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया। वहीं इस मामले पर ADGLO ने अपने बयान भी जारी करते हुए अधिकारियों को मामले का खुलासा करने का निर्देश दिया है। आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में हैं। ये सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पर पहुंचे। मैं स्वयं भी मौके पहुंचा हूं। यहां पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार, राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतिनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की है, वो जीवित है। फरुखाबाद शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने अभियान चलाकर शहर की मुख्य सड़कों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया। वहीं अतिक्रमण के पहले दिन बुधवार को शहर के मुख्य मार्ग पर सुबह से ही आला अधिकारी और भारी पुलिस बल के साथ कर्मचारी बुलडोजर लेकर पहुंचे और सड़क किनारे और नाले नालियों पर लोगों द्वारा अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया, जिसके बाद नगर मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी कि अगर सड़क या नाले नालियों पर दोबारा अतिक्रमण किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, आज अतिक्रमण का चौथा दिन है, किस तरीके की कार्रवाई हो रही है? अतिक्रमण के चौथे दिन में लाल गेट से आवाज विकास तक दोनों ओर अतिक्रमण में हटाया जा रहा है। पर्याप्त पुलिस फोर्स और नगरपालिका टीम अभियान शुरू कर दी। मैम, जो मामला आप अतिक्रमण हटा रही, कुछ लोग पीछे से अतिक्रमण जाल दोबारा फिर डाल ले रहे हैं, तो उनके लिए किया जा रहा है कि जैसे ही हम ये अतिक्रमण हटाते हैं तो उसके 2 दिन बाद फिर से उसके इलाके को देखा जाएगा, अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण के खिलाफ संभल पुलिस प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है और हाथ में डंडा लेकर अवैध पार्किंग के खिलाफ वाहनों को हटाने पहुंचे SDM, जिसके बाद वाहन स्वामियों को सख्त हिदायत दी गई कि अगर कोई गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी तो वाहन का चालान कर दिया जाएगा। शिकायतें आ रही थी आपकी जो पार्किंग को लेकर या अपनी ओवरवेट जो ट्रक्स रहती हैं, हैवी व्हीकल्स रहती हैं, उनको लेकर काफ़ी शिकायतें थी और इस कारण यहाँ पे ट्रैफिक की भी काफ़ी समस्या बनी रहती थी। और काफ़ी शिकायतें ये भी आई थी कि सुबह जब ये पार्किंग रहती है उस टाइम पे बच्चों का, स्कूल जाने का, बसेस का काफ़ी इशू होता है और उसमें एक्सीडेंट होने की हमेशा संभावना बनी रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाए जाने के आदेश के बाद सिद्धार्थनगर थाने पर सभी धर्मों के धर्म गुरुओं की मीटिंग की गई। इस दौरान CO इटावा ने शांति बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की और कहा लाउड स्पीकर को लेकर सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसका सही तरीके से पालन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शासन के स्तर से जो भी निर्देश दिया गया है धर्म गुरुओं से वार्ता करने के, कि सभी लोग अपने अपने किस हिसाब से धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, उसी के परिप्रेक्ष्य में इन लोग से वार्ता कर जो भी किसी प्रकार दिक्कत है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि क्या हमको कैसे करना है, उस विषय में इनसे वार्ता कर उसको दूर करने का प्रयास किया गया। खबर
संभल से है, जहां दबंगों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की और घर में रखे सारे बर्तन सड़क पर फेंक दिए, जिसके बाद पीड़ित ने दबंग व्यक्ति के खिलाफ गुन्नौर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद मामले को लेकर गुन्नौर सीओ देवेंद्र शर्मा ने दबंग व्यक्तियों के खिलाफ गैंगस्टर कार्रवाई करने को कहा। बबलौला में तीन भाई हैं, इसमें एक राजूगिरी है, इनका एक भाई ने अपना हिस्सा बेच दिया था, इसी बंटवारे को संबंध में जिन्होंने मकान खरीदा है वो पिछले 10-12 दिन पहले आए थे, तब भी उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था, आज वो फिर उसमें अवैध रूप से कब्जा करना चाह रहे थे, जिस संबंध में 7 लोगों को धारा 107 कार्रवाई की गई, 151 और एक अभियोग पंजीकृत किया गया। फरीदाबाद अब लगातार हादसे का शिकार बनता जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आज सुप्रीम कोर्ट के वकील की गंदे पानी के डिस्पोजल में गिरने से मौत हो गई। फरीदाबाद के आईपी कॉलोनी में रहने वाले वकील हिमांशु पिछले 2 दिनों से लापता थे। क्षेत्रीय लोगों के जानकारी देने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एक बॉडी मिली है, क्या हां मिली है, क्या है पूरा मामला? ये भाई बॉडी मिली है सैनिक कॉलोनी गेट नंबर 4 के पास, गंदे पानी का डिस्पोजल है जी, उसके अंदर मिली है पानी के अंदर। क्या सूचना मिली थी, कैसे पहुंचे आप लोग? पब्लिक ने बताया कि भाई वहाँ एक डेड बॉडी गंदे पानी के डिस्पोजल में पड़ी हुई है जी, तो वो सूचना पाकर मौके पर पहुंचे, बॉडी को अभी निकाल करके यहाँ पर लाया गया, डेड हाउस में रखा गया, घर वालों को सूचना दे दी गई है, बिहार से इसके घर वाले चल दिए, जैसे वो आ जाएंगे आगामी कार्रवाई। कहाँ का रहने वाला है बिहार का ये? बेगूसराय। यहाँ कहाँ रह रहा था, क्या कर रहा था? यहाँ IP2 में रहता था। हाँ। वकालत की हुई है इसने। अच्छा, अभी शायद दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है और गांधी पार्क पुलिस ने बच्चे चोर गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसके कब्जे से 18 दिन के बाद एक बच्ची बरामद हुई है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए गैंग में 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं, जिन पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। कल रात थाना गांधी पार्क में एक महिला ने ये पुलिस को सूचना दी कि उसकी 18 दिन की लड़की को पैसे दिलवाने के बहाने यहाँ पर एक महिला ने बुलाया और उसके बाद उसकी लड़की को वो शाम तक उसकी लड़की को लेके चली गई है और उसने ये आशंका जताई कि उसकी लड़की को उससे हटा लिया गया है, अपहरण कर लिया गया है। इसी पे पुलिस ने सूचना पे कार्य करते हुए इसमें बच्ची को रिकवर कराया है और इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किसी लुभावनी स्कीम के चक्कर में फंसने से पहले उस संस्थान के बारे में जान लें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप स्कीम के लालच में फंसकर ठग जाएं। क्योंकि ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद के थाना खोड़ा से सामने आया है, जहां पुलिस ने ठग बाप बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों ही बाप बेटे लोगों को स्कीम का लालच देकर कम रुपयों में स्कूटी और इनाम देने का लालच देते थे, जिसके नाम पर इन्होंने करीब 450 लोगों के साथ ठगी की है। इसमें एक व्यक्ति ने 63,000 रुपए की गाड़ी क्रय की थी इनके यहाँ से, जबकि कोई लोन नहीं लिया था। बाद में उनके घर पे बैंक से किस्त जमा करने के लिए लेटर आने लगा, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने जो गाड़ी खरीदी थी उस पे फर्जी तरीके से इन्होंने लोन बैंक से लेके और इनके साथ फ्रॉड किया है। इस पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। ये बाप और एक उनका पुत्र अभी गिरफ्तार हुआ, बाकी 2 पुत्र उनके अभी वांटेड चल रहे हैं, जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पिपरा बुजुर्ग थाना गेट के सामने सफेद स्कॉर्पियो से 59 पैकेट में कुल 51 किलो अवैध गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि तस्करों ने फिल्मी स्टाइल में स्टेपनी का टायर फाड़कर और गाड़ी के सभी दरवाजों में गांजा छिपा कर रखा था। गांजा तस्कर के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम प्रेम यादव और अशोक चौधरी हैं। इनके पास से 51 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत 9 लाख रुपए है।
इसके अलावा एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है, जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में ये इस गांजे को रखे हुए थे और इसको ले जा रहे थे बेचने के लिए। ये गांजा बिहार के क्षेत्र से ला रहे थे और इनकी योजना थी कि इसको उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ पर इसकी खपत करनी थी। इनके जो लिंकेज हैं बैकवर्ड और जहाँ से सप्लाई ले रहे थे उसकी भी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है और इसमें अगले मिली कार्रवाई। खबर रायबरेली से है, जहां त्रिपला चौराहे से लेकर बरगद चौराहे तक अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ सिटी वंदना सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने सभी मॉडल शॉप शराब की दुकानों के बाहर चेकिंग करने के साथ ही दुकानों के आसपास शराब पी रहे कई लोगों को गिरफ्तार किया और लावारिस खड़ी दो पहिया और चार पहिया वाहन का चालान भी किया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।